क्या दोस्तों आपको पता है कि YouTube किसने बनाया था और क्यों बनाया था? आखिर YouTube को बनाने वाला कौन था और वो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे था कि YouTube भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम लोग वीडियो अपलोड कर पाएंगे? या फिर दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि YouTube पे कौन सा वीडियो था जो कि पहला वीडियो है? YouTube पे कोई तो एक वीडियो होगा जो सबसे पहले अपलोड किया गया हो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा YouTube के बारे में बहुत सारा डिटेल। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, YouTube को जो है एज अ मजाक में जो है YouTube को बनाया गया था, जो बनाने वाला था वो मजाक में बनाया था, लेकिन आज एक YouTube बहुत बड़ा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आप लोगों को पता ही होगा कि यहां पर सिर्फ पैसा ही पैसा है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को YouTube के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और YouTube पे कैसे अभी आप पैसा कमा सकते हो और इतना बड़ा बिजनेस मॉडल ये बना कैसे, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों आप लोग आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखते रहना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही मुझे आप लोग Instagram पर फॉलो नहीं करते हो, जिसने भी नहीं किया है कर लेना, जल्दी हमारे 200K फॉलोवर्स होने वाले हैं। मेरा यूजर नेम है Manoj23 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में लाना है तो ऐसे में एक बेस्ट तरीका है कि आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर लो, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आज की इस वीडियो पे एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पर आप लोग फ्री में अपना ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इसका नाम है माई बिजनेस। दोस्तों यहां पर आपको सिंपली से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहां पर क्लिक करना है और रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, ओटीपी आएगा, फिर कुछ डिटेल्स भरना है, स्टोर का नाम देना है, आपका अकाउंट बनकर क्रिएट हो जाएगा। आपका ऑनलाइन बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो गया, आपका जो है स्टोर भी क्रिएट हो गया। अब यहां पर आप जो है अनलिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो और इन प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट्स पे होता है। और यहां पर दोस्तों एक बिजनेस टूल भी मिलता है जहां पर आप अपने स्टोर को फ्री में प्रमोट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंच सकते हो, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो अपने स्टोर पे। सो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है माई बिजनेस का, जाकर के डाउनलोड कीजिए और अपना ऑनलाइन स्टार्ट बिजनेस करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि YouTube को बनाने का आइडिया कैसे आया था। जिन्होंने बनाया था उनका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, तीन लोग मिलकर के यहाँ पर बनाया गया था, नाम जो है थोड़ा अजीब सा है तो मुझे अभी याद भी नहीं है। तीन लड़के थे जो कि YouTube को बनाने वाले हैं, लेकिन उनके दिमाग में यह आइडिया आया कैसे था ये मैं बताना चाहूंगा। तो यह आइडिया आया था कुछ इस तरह से कि तीन जो वो लोग फ्रेंड थे, तीन फ्रेंड में से एक फ्रेंड का जो है बर्थडे था और वो लोग बर्थडे जो सेलिब्रेशन किए थे तो उसमें एक उन लोगों ने जो है वीडियो बनाया था, तो वीडियो बना करके उस वीडियो का फाइल बहुत बड़ा हो गया था और एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को वो वीडियो भेजना था। अब वो भेजे तो भेजे कैसे, उस टाइम यूट्यूब नहीं था और उस टाइम कोई ऐसा चीज नहीं था, ऐसा सुविधा नहीं था जिससे आप लोग उतने बड़े फाइल को वीडियो को कहीं पे शेयर कर सकते हो। लाइक जीमेल में तो जाता ही नहीं था, व्हाट्सएप बोल के कुछ था नहीं, फेसबुक था नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनके दिमाग में तब ये आइडिया आया था कि कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम आप लोग जो है कोई भी वीडियो अगर शूट करते हैं तो उसे हम लोग अपलोड कर पाए, तो ऐसा कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तब उन्होंने अपने जो है उस बर्थडे वाला क्लिप को सेफ रखने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था YouTube, जहां पर उन्होंने खुद उस वीडियो को जो है रखने के लिए बनाया था। उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो कुछ इस तरह से जो है YouTube को बनाने वाला आइडिया आया था उनके दिमाग में कि YouTube भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम लोग जो है बड़े बड़े फाइल को भी अपलोड करके सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि YouTube पे सबसे पहला वीडियो कौन सा था और कब अपलोड किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले YouTube पे जो है सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था वो डेट था 24 अप्रैल 2005, आज से 15 साल पहले, और उस वीडियो का टाइटल है मी एट द जू। वहां पर दोस्तों क्या हुआ था कि एक लड़का है जो कि गया था जू घूमने के लिए और उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया था 40-50 सेकंड का और उन्होंने वो वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था। और आज यूट्यूब पे लाखों वीडियो पर डे अपलोड होता है, एक एक दिन में। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पहला वीडियो था और आज लाखों वीडियो एक एक दिन में अपलोड होता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब। अब दोस्तों यूट्यूब का इतना बड़ा होने का रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरनेट की मदद से हम लोग यूट्यूब पे अपने मन पसंदीदा जो है जो भी वीडियोस होते हैं जो भी ये होता है हम लोग देख सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे यूट्यूब बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि टीवी में क्या होता था कि टीवी लोग देखते थे लेकिन टीवी में हम अपना मन मुताबिक जो है नहीं देख सकते थे। जैसे कोई शो है उसका टाइमिंग है, उसी टाइम पे वो आएगा, फिर आप उसका वेट करो, फिर आप देखोगे तो बीच बीच में बहुत सारा एड्स आता है, फिर आप एड्स को स्किप भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे क्या हुआ कि हाँ अपने मन मुताबिक जो भी मेरा इंटरेस्ट है मैं उस चीज को सर्च करके देख सकता हूँ, एड अगर आता है तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं और जो मन होगा जब मन होगा जिस टाइम मन होगा रात हो दिन हो हम लोग अपना मन मुताबिक देख सकते हैं। तो इसीलिए धीरे 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 यूट्यूब क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा और बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। अब यहाँ पर YouTube पे ऐसे 2-4 साल पहले जो यूट्यूबर्स होते थे जो अपना वीडियोस अपलोड करते थे तो उनको ज्यादा इनकम नहीं होता था, ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, सिर्फ एड्स का ही पैसा मिलता था, ठीक है, और वो सिर्फ YouTube को एज ए पार्ट टाइम करते थे और YouTube बनाते थे। लेकिन आजकल आप समझ सकते हैं कि YouTube एक इतना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है कि YouTube भी यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस एक एक दिन में करता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे है कि पर डे लाखों करोड़ों कमा भी रहे हैं एक एक दिन में, और यहाँ पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। आप लोग देख ही रहे हो, आप मुझे ही जीता जागता उदाहरण ले सकते हो, आज जो कुछ है सब YouTube के ही वजह से है।
YouTube पे अभी आप लोग कई सारा ऐसा रास्ता है जहां से पैसे कमा सकते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पे बताया भी है। लाइक YouTube पे जो है एड्स का तो पैसा मिलता ही है गूगल एडसेंस के थ्रू, और उसके बाद आप लोग YouTube पे अपना जो है कोई प्रोडक्ट है, कोई मर्चेंडाइज है, कपड़ा है, कुछ बुक्स है, कुछ कोर्सेस है, वो भी आप लोग सेल करके पैसे कमा सकते हो। आपके अंदर मतलब ये है कि आपके पास अगर ऑडियंस है तो आप कई रास्ते से पैसे कमा सकते हैं। YouTube पे अगर आपका सब्सक्राइबर बेस एक बार अच्छा खासा बन जाता है, उसके बाद आपको पैसा ही पैसा होगा, चारों तरफ से पैसा आता है, कहीं आप मतलब कि खुद नहीं समझ पाओगे कि पैसा आ कहां से रहा है, किधर किधर से आ रहा है। लाइक यहां पर मैं अगर अपने सिर्फ इनकम ऑफ सोर्स की बात करें कि जहां के मैं कहां कहां से पैसे कमाता हूं, तो सबसे पहला तो YouTube के एड्स का जो पैसा आता है वो। सेकंड क्या है कि अफिलिएट लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट सारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स का लिंक देता हूँ, वो अफिलिएट से मेरा मंथली इनकम हो जाता है अच्छा खासा, अफिलिएट लिंक हो गया। अब किसी और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जरिया पैसे कमाने का वो है ब्रांड स्पॉन्सर्स। आप लोगों को पता ही होगा ब्रांड कोलैबोरेशंस, बहुत सारा जो है कंपनी कॉन्टैक्ट करता है वीडियो बनवाने के लिए, उसका जो वीडियो का चार्जेस होता है वो आप लोग जितना सोच नहीं सकते हो उतना प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर नहीं बोल सकता। स्पॉन्सर्स का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है स्पॉन्सर वीडियोज़ का। अब स्पॉन्सर वीडियोस में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन का मेरे पास स्पॉन्सर आता है उस एप्लीकेशन को मैंने चेक कर लिया, अब उस पर जब वीडियो बनाया तो उस पर अपना रेफरल कोड अगर डाल दिया तो उस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप ज्वाइन होते हो तो मुझे भी मिलता है पैसा साइनअप का और आपको भी मिलता है। मतलब आप उस लिंक के थ्रू अगर आप साइनअप करते अपना रजिस्ट्रेशन करते अपना अकाउंट बनाते तो आपको भी पैसा तो मिलता ही है प्लस मुझे भी मिलता है क्योंकि आपने मेरे रेफरल कोड को यूज किया, तो वो रेफर वाला इनकम एक्स्ट्रा होता है। अमेजन अफिलिएट हो गया, गूगल एड्स से हो गया, रेफरल से हो गया, और उसके बाद बहुत सारा और भी रास्ता, ब्रांड कोलैबोरेशन जो कि बताया, स्पॉन्सर, और यूट्यूब के थ्रू ही ऑडियंस को अपने डाइवर्ट करके, जैसे कि जहां आपने एक बार नाम कमा लिया यूट्यूब पे आपका अच्छा खासा ऑडियंस हो गया तो उसी ऑडियंस आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा हमें फॉलो करते हैं इंस्टा पे। अब इंस्टाग्राम भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा अच्छा खासा जो है फॉलोवर्स है, और वहां पर भी अच्छा खासा फॉलोवर्स होने की वजह से वहां भी बहुत सारा स्पॉन्सर आते रहता है, लाइक वीडियो अपलोड करने का, फोटो पोस्ट करने का, स्टोरी डालने का। तो मेन जरिया तो YouTube ही है, अगर YouTube नहीं होता तो मेरा इंस्टा पे भी फॉलोवर नहीं होता, और इंस्टा पे फॉलोवर नहीं होता तो वहाँ फिर पैसे कैसे कमाता। तो सारा का सारा जड़ क्या है, YouTube है, और YouTube आज लोग जो है YouTube करते ही हैं, उनके मन में मेन जो बात आता है वो होता है पैसा। पहले YouTube लोग शौक से करते थे, अपने पैशन को फॉलो करते थे, इंटरेस्ट के हिसाब से करते थे, अभी YouTube लोग आते हैं, ये जो है रियलिटी है कि आते ही है इसी वजह से, दिमाग में यही सोच करके यहाँ पर मुझे पैसे कमाना है। अब पैसा वही कमा सकता है जिनके अंदर में टैलेंट है, अगर कुछ वो यूनिक कंटेंट दे सकता है, पब्लिक उनके कंटेंट को पसंद करेगा तो व्यूज आएगा तो पैसा मिलेगा। तो लेकिन लोग यहाँ पर अभी आते ही हैं पैसे को देख करके, पहले के मुताबिक अभी ये सोच पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो यही कुछ यूट्यूब का शुरुआत हुआ था, आज मजाक में यूट्यूब बना था, और आज समझ सकते हैं कि यूट्यूब कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ पैसा ही पैसा है, लोग करोड़ों लाखों अरबों रुपया तक कमा चुके हैं। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो पर आप लोगों को YouTube से रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों मैंने जो है लिंक दे दिया है माय बिजनेस का डिस्क्रिप्शन पे, जाकर के डाउनलोड करना उसे भी। तो चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब जय हिंद, वंदे मातरम।